तो गाइस किरण बुक से कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का मेरे पास पीडीएफ आ चुका है, आप देखिए किसी साथी ने भेजा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पर सबसे लेटेस्ट बुक से ये दिया गया है मुझे, मेरे को बुक देखा मैंने तो सबसे लेटेस्ट बुक से मेरे पास में ये है। और दूसरी बात आपको भी मैच करेंगे बिल्कुल, क्योंकि किरण बुक और राकेश यादव बुक, ये दो बुक्स ऐसी बुक छप चुकी है बाजार के अंदर जिन्होंने हर 100 बुक के बाद में अपना परफॉर्मेंस चेंज कर दिया। तो किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, यहाँ पे बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, वैलिज करती हैं बहुत सारी, लेकिन आप लोग यहाँ पे ईयर वाइज मैच कर लिया करें भाई, इतना कंफ्यूज मत हुआ करें, क्योंकि अगर सबके पसंद से मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे वीडियो बन ही नहीं पाएंगे फिर, तो सच्चाई की बात यही है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर कहते हैं कि सर मेरे पास तो ये वाली बुक है आप इस बुक से वीडियो बना दीजिए, सर मेरे पास ये वाली बुक है आप इस बुक से वीडियो बना दीजिए, तो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन से क्रिएट हो जाती है बच्चे के साथ में। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, ये जो स्टार्ट हुए हैं सेट 2011 से हुए हैं, 1997 से 2010 के पेपर ऑनलाइन है ये कहना चाह रहा है इस बुक के अंदर। चलिए मैं कोई बात नहीं, कोशिश तो करने करने हमें, आपको डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है यहाँ पर 2011 शुरू हो गया, सोच लीजिए आप अगर ये फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद हमें समय बचता है तो हम लोग 1997 से 2010 की तरफ को बढ़ चलेंगे बिल्कुल बेफिक्र है। और ज़्यादा पुराना हमें कराना भी नहीं चाह रहा था आपको, 1997 से अगर मैं पैसेज कराना शुरू करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले जाएंगे हम लोग, जो कि मैं नहीं ले जाना चाह रहा था। इतना काफ़ी है 2011 से 2019 तक का, इस बीच भी 8 साल में आपके लगभग बेहिनता क्लोटस हो जाएंगे, पैसेज हो जाएंगे जो कि बहुत हद से ज़्यादा इनफ हो जाएंगे। कह रहे हैं कि द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन इन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन BC। स्टोन एज जो है एक इतिहास का वो युग है जो लगभग 2 लाख BC पहले पूरा हुआ था, एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC और 3000 BC तक चलता रहा। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स, इसका नाम स्टोन एज इसलिए पड़ा क्योंकि इस युग में पत्थरों के टूल्स यानी के कह सकते हैं मतलब उपयोगी वस्तुएं और व्यापक मतलब हथियार, तो यहाँ पे पत्थर के ही टूल्स और पत्थर के ही हथियार यूज़ किए गए थे, इसलिए इसका नाम स्टोन एज पड़ा, दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, जो आज के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू, इस पीरियड को डिवाइड किया गया है द पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जो है वो 2 मिलियन से 8000 BC तक है। द फर्स्ट हैटेज एंड द यूज ऑफ फायर, हैचेज बोलते हैं बस कुल्हाड़ी को, पहली कुल्हाड़ी और पहली बार आग का जो यूज़ किया गया फॉर हीटिंग और कुकिंग वर डेवलप, इस युग में पहली बार कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया और आग का यूज़ किया गया कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए पहली बार, एज अ रिजल्ट ऑफ द आइस एज विच इवॉल्व अबाउट 1 मिलियन ईयर्स इन द पैलोलिथिक एज। पीपल वर फोर्स टू सीक शेल्टर इन केस वियर क्लोथिंग एंड डेवलप न्यू टूल्स, तो यहाँ पर लोगों ने जो है अपने भगन बनाना शुरू कर दिए, कपड़े पहनना शुरू कर दिए और चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गाइस कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, जो आपका मध्य पाषाण युग है उसमें वो शुरू हुआ आपका 8000 से 6000 BC में, पीपल मेड क्रूड पोल्ट्री एंड द फर्स्ट फिश हुक, तो यहाँ पे लोगों ने जो है पहला मछली पकड़ने वाला हुक, टुक डॉग्स फॉर हंटिंग, कुत्तों को शिकार के लिए, एंड डेवलप्ड अ बो एंड एरो यानी कि तीर कमान भी उन्होंने डेवलप किया, विच वॉज यूज अंटिल द 14th century AD, जो कि 14वीं शताब्दी के बाद तक यानी कि BC के तुरंत बाद के बाद AD शुरू हुआ, AD चलता रहा यानी कि 14वीं शताब्दी तक। द न्यूलिथिक एज 6000 to 3000 BC, जो न्यूलिथिक एज है वो आपका 6000 से 3000 BC, सा ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, गोट्स, पिग्स, कैटल, यानी कि लोगों ने जो है पालना भी शुरू कर दिया भेड़ बकरियों को, सुअर को, भेड़ बकरी जो भी सब इसके अंदर आ जाएंगी, बिकमिंग लेस नोमैडिक देन द प्रीवियस एज, यानी कि इस युग में इन्होंने जो है ज़्यादा पालना शुरू कर दिया है पहले के मुकाबले, स्टेबलाइजिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स, और इस युग में जो है परमानेंट सेटलाइजिंग भी होने लगी लोगों की और गवर्नमेंट भी सेट होने लगी इस युग में ही, यानी कि इस युग में काफ़ी कुछ बदलाव हुए, इसलिए इस युग को कहा गया बिल्कुल नवपाषाण युग। क्या कहा गया आपका? नवपाषाण युग। अब गाइस यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू डैश, स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो गाइस यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिखा गया है स्टोन एज जो है हमारी डिवाइड हुई है आपकी कुल मिलाकर के, तो पैसेज में यहाँ साफ साफ जिक्र किया गया है स्टोन एज जो है अगर देखा जाए तो डिवाइड हुई है आपके 3 पार्ट्स में, 3 युग में। तो यहाँ पे 3 युग कौन कौन से आपके होते हैं? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये आपका साफ साफ पैसेज में जिक्र किया गया है इसका, ये 3 युग आपको दिए गए हैं तीनों।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, यानी कि थ्री. व्हाट डेवलप फर्स्ट इन द पैलोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड में सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप हुई थी? तो गाइस यहाँ पे अगर गौर करें पैसेज की तरफ ही अगर हम बढ़ें, कह रहे कि पहला चल रहा आपका पैलोलिथिक पीरियड ही. सबसे पहले ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड फर्स्ट हैटेज यानी कि कुल्हाड़ी आपकी डेवलप हुई यहाँ पे. तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड का थर्ड करेक्ट. फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, मेसोलिथिक एज जो है कितने सालों तक एग्जिस्ट रही, जरा देखते हैं यहाँ पे. ये रहा आपका मेसोलिथिक एज 8000 से 6000 यानी कि लगभग 2000 साल. कितने साल? 2000 साल. तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर 2000 करेक्ट. विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा पीरियड चला आपका? तो वो पहले वाला ही था गाइस यहाँ पे, वो था आपका 2 मिलियन से 8000 तक, क्योंकि ये चला सिर्फ 2000 और ये चला सिर्फ 3000. सबसे लंबे समय तक चला आपका पैलोलिथिक, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, पैलोलिथिक. नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स, कब लोगों ने गवर्नमेंट्स क्रिएट करने शुरू कर दी? सबसे लास्ट वाले पीरियड में, सबसे लास्ट वाला पीरियड आपका जो था न्यूलिथिक एज, सा ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप गोट्स पिग्स कैटल बिकमिंग लेस नोमैडिक देन इन द प्रीवियस एज एस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स. तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाले का 6000 से 3000 BC के बीच में. यस चलिए जी, तो ये था आपका आज का पैसेज नंबर वन. हालांकि तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि किरण मुख से चल रहा है आपका पैसेज, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं आज पैसेज नंबर टू पर. ये पैसेज नंबर टू भी आपका SSC स्टेनो ग्रेड COD में आया हुआ है, जैसे कि पहले वाला एग्जाम था ये SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड COD 9/1/2011 में ही. कह रहा कि आई यूज टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मैं अपना मील यानी कि दोपहर का भोजन, या फिर मील मतलब भोजन को ही बोल देते हैं खाली, मैं लिया करता था एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में. हेयर आई मेट मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, यहाँ मैं मिला मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट से. वी यूज टू मीट इन दिस रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, इस रेस्टोरेंट में हम लोग अक्सर मिला करते थे और शाम को वॉकिंग पर जाया करते थे. मिस्टर वेस्ट वॉज अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग कंसर्न, मिस्टर वेस्ट जो थे पार्टनर थे एक प्रिंटिंग कंसर्न में, छोटी सी प्रिंटिंग फैक्ट्री थी यहाँ पे उसमें. ही रीड माई लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट अनइजी, उन्होंने मेरा एक लेटर पढ़ा प्रेस में ही अबाउट द आउटब्रेक यानी कि प्लेग के प्रकोप के बारे में, एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट अनइजी, और जब मुझे उन्होंने रेस्टोरेंट में नहीं पाया तो थोड़ा सा उनको अजीब लगा. माई को वर्कर्स एंड आई हैड रिड्यूस्ड ओवर डाइट सिंस द आउटब्रेक, मेरे सहयोगियों ने और मैंने अपने डाइट को थोड़ा सा कम कर दिया उस प्रकोप की वजह से. एज आई हैड लॉन्ग मेड इट अ रूल टू गो ऑन अ लाइट डाइट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, क्योंकि जैसे कि मैंने ये रूल बनाया हुआ था ये महामारी के दौरान जो है हल्की डाइट लूँगा. इन दिस डेज आई हैड देयरफॉर गिवन अप माई इवनिंग डिनर, इन दिनों मैंने शाम के समय अपना शाम इन दिनों मैंने अपना शाम वाला भोजन भी जो है शाम का समय का जो खाना था वो भी बंद कर दिया, त्याग दिया था. लंच ऑल्सो आई वुड फिनिश्ड बिफोर द अदर गेस्ट अराइव्ड, और लंच भी मैं अपना और अन्य मेहमानों के आने से पहले खा लिया करता था. आई न्यू द प्रोपराइटर ऑफ द रेस्टोरेंट वेरी वेल एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट एज आई वॉज इंगेज इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल, मैंने उसको बताया कि जैसे कि आजकल मैं प्लेग के बीमार लोगों को देख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम लोगों से मिलूँ जिससे कि बीमारियाँ कम से कम फैले. नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फॉर अ डे और टू, एक या दो दिन तक लगातार मुझको रेस्टोरेंट में ना पा करके मिस्टर वेस्ट नोक्ड एट माई डोर, मेरे घर पर आए अर्ली वन मॉर्निंग एक सुबह जल्दी ही. जस्ट एज आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर अ वॉक, जब मैं घूमने के लिए तैयार ही हो रहा था. एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मिस्टर वेस्ट सेड, मिस्टर वेस्ट ने मुझसे कहा, आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट एंड वॉज रियली अफ्रेड लीस्ट समथिंग शुड हैव हैपन टू यू, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में नहीं देखा तो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आपके साथ अजीब तो नहीं घटा हो. तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई गई है
रेस्टोरेंट के अंदर वो किस तरह खाना खाना जाया करता था, वो उसने देखा कि प्लेग नाम की बीमारी थी, प्लेग नाम की बीमारी में वो लोगों को देख रहा था, तो उसने खाना खाना बंद कर दिया शाम का और रेस्टोरेंट में भी जाना बंद कर दिया और लोगों से भी मिलना बंद कर दिया। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डिड द स्पीकर एंड एल्बर्ट वेस्ट डू एवरी इवनिंग, क्या क्या करते थे वो हर शाम को एवरी इवनिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, वेंट वॉकिंग एंड मेट एट द रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग, घूमने जाया करते थे और रेस्टोरेंट में मिला करते थे ईटिंग के दौरान। आफ्टर ईटिंग मेट एट द रेस्टोरेंट टू गो फॉर अ वॉकिंग, खाना खाने के बाद में वो रेस्टोरेंट में मिला करते थे, वहाँ से घूमने जाया करते थे, मेट इन द रेस्टोरेंट एंड वेंट आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, रेस्टोरेंट में मिला करते थे और वहाँ से खाना खाने के बाद घूमने जाया करते थे। तो इसका आंसर आपको होना चाहिए प्रॉपर थर्ड करेक्ट। बात पहले वाले में वो ये लेकिन उसमें घुमा के कहा गया है, यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से बात को कहा गया है, इसलिए सिक्स का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड यहाँ पर करेक्ट। Why did the speaker not come to the restaurant? Speaker रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहा था या फिर क्यों नहीं आया? He wanted to contact all his friend, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने सही फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करे। जी नहीं। He had decided to diet in order to lose weight. उसने डिसाइड किया था अपनी डाइट को जिससे कि वो वेट लॉस कर सके। जी नहीं। He did not want to meet Mr. Albert and was avoiding him. एल्बर्ट से नहीं मिलना चाहता तो उसको अवॉइड कर रहा था। जी नहीं। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट, क्योंकि वो प्लेग नाम की बीमारी से लड़ रहा था इसलिए वो सावधानी बरत रहा था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। मिस्टर एल्बर्ट वॉज वेस्ट, वॉज एल्बर्ट वेस्ट कौन थे? सो कंसिडरिंग टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जी नहीं। अ पार्टनर इन ए स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, बिल्कुल। अ पार्टनर, जी नहीं। कंसर्न अबाउट प्रिंटिंग, जी नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, सॉरी माफी चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड यहाँ पर करेक्ट। यस, चलिए। व्हाई डिड मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट नो कट द स्पीकर्स हाउस, एल्बर्ट वेस्ट स्पीकर के घर पर क्यों गए थे? टू गो आउट वॉकिंग विद स्पीकर, जी नहीं। टू मेक हिम अ पार्टनर इन द प्रिंटिंग प्रेस, उसको प्रिंटिंग प्रेस का पार्टनर बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ही वॉज वरीड दैट समथिंग हैड हैपन टू द स्पीकर, कहीं कुछ हुआ तो नहीं गया उसको, कहीं दिन से नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। वाई वॉज मिस्टर वेस्ट अनइजी, मिस्टर वेस्ट जो है अनइजी मतलब बेचैन से क्यों थे? तो कहे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द स्पीकर इन द रेस्टोरेंट, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को रेस्टोरेंट में नहीं पाया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस, बिल्कुल नहीं। ही हैड रिटन समथिंग, बिल्कुल नहीं। ही वॉज अवॉइडिंग हिज फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट। तो थोड़ा इजी सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकता इसको मैं। यस, काफ़ी ज़्यादा इजी, काफ़ी हद तक। आगे जो क्वेश्चन पेपर है वो 21 से 11 से 25 तक, वो भी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम में आए हुए हैं 16/10/2011 को। कह रहे कि जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वलिटीज इन लाइफ। जॉन हैड नेवर थॉट, जॉन ने ज़्यादा कभी नहीं सोचा है मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ, वेल्थ के ओरिजिन के बारे में। इट वॉज द फर्म बिलीव दैट If this world was not good, the next would be good. उसको लगता था कि अगर ये वर्ल्ड गुड नहीं है तो अगला गुड होगा, और ये अगर अगला भी नहीं होता उससे अगला होगा। And this faith sustained him, और उस चीज़ को उसने जारी रखा। He was not like some other whom he knew who would sell their soul to the devil. He was not like some others, वो औरों की तरह नहीं था जिनको वो जानता था, जो अपनी आत्मा को बुरे लोगों को भेज देंगे, यानी कि जो बुरे काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। ही ऑलवेज थॉट, उसको हमेशा लगता था ऑफ गॉड बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि हर काम के पीछे जो है भगवान है, आप चाहे अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, हर काम के पीछे भगवान ही ध्यान रखें। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ द ऑफ एन ऑनेस्ट, उसने लाइफ को जो बहुत ईमानदारी से जिया। ही हैड नॉट मैरिड बट डिड नॉट डिजायर अनदर मैंस वाइफ, उसने शादी नहीं की लेकिन कभी दूसरे की बीवी की तरफ भी आकर्षित नहीं हुआ। ही बिलीव दैट वुमन वीकेंड मैन एज वॉज डिस्क्राइब इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिन। चलिए, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसेज बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने दो करा। मैंने कल ही कहा था आपको कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, पैसेज होगा, तो मैं आपको 2 पैसेज यहाँ पे करवाने वाला हूँ। यस गाइस, चलिए चलते हैं अपन के आंसरों पे। टू सेल वन सोल टू द डेविल्स मीन्स, यानी कि अपनी आत्मा किसी बुरी चीज़ को बेच देना का मतलब क्या है? यानी कि अपनी ईमानदारी को त्याग देना किसी दूसरे के फायदे के लिए या फिर अपने फायदे के लिए। सो गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स,
तो यहाँ पे उसको ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार बना रहना चाहता था। यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़िए, कह रहा है कि जॉन थॉट दैट वुमन वीकेंड मैन बिकॉज, उसको लगता था क्यों, ही थॉट दैट वुमन वर इविल, जी नहीं, ही बिलीव दैट अ वुमा वॉज अ फैंसी डेविल, बिल्कुल नहीं, ही थॉट दैट अ वुमा वुड स्पॉइल हिज लाइफ, उसकी लाइफ को स्पॉइल बने के बर्बाद कर देगी, ही वॉज कन्विंस दैट वट द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलियास इलस्ट्रेट इज करेक्ट, ये उसने कहानी पढ़ी थी, ही बिलीव दैट वुमन वीकेंड मैन एज वॉज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलियास, उसने सैमसन और डेलिया नाम की कहानी में जो कहानी पढ़ी थी महिलाओं के बारे में, उसको तब से ऐसा लगने लगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। देखिए, पैसेज पढ़ते वक्त और क्वेश्चन करते वक्त आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाया करें, सेम ऐसे जैसे रीजनिंग की बात होती है, रीजनिंग में भी ऐसी है बच्चों, यहाँ पे भी आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जैसा उसने किया है आपको डिट्टो वैसा करना है बस। जैसे रीजनिंग होता है ना, कि कहता है कि अगर ए को 5 कहा जाए और बी को 7 कहा जाए तो डी को क्या कहा जाएगा, बस जैसे उसने 2 करे ऐसे आपको भी करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग बिल्कुल लगाना है, ये लाइन पैसेज में मिली मुझे, मैंने ढूंढ दी, बात खत्म। अगर एक बार को आप हिंदी मीनिंग भी नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं कहूँगा तब भी कोई बुराई नहीं है, आप फटाफट से पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए एक बार बस। अगर आपने पैसेज को पढ़ना भी सीख लिया एक बार बहुत तेज़ी से, ऐसे किससे क्या फ़ायदा होगा, आपको एक बार ये पता चल जाएगा पैसेज के अंदर बात किस चीज़ की हो रही है। अगर कोई हार्ड वर्ड पैसेज के अंदर है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए, चाहे तो उसको एक तरफा लिख भी लीजिए किसी पेपर वगैरह पर, आपको जो भी हार्ड वर्ड लग रहा है। देखिए, आपको भले लगता हो कि चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन भले ही टाइम लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको पैसेज जो है फुल मार्क्स देकर जा सकता है 10 में 10, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें किसी ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपका हल्की सी मेहनत जरूरी है, यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ पर 10 out of 10 मार्क्स आप ला सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें अपनी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं अपनाता था। पैसेज को पूरा पढ़िए बस, पूरा का पूरा जो भी हार्ड वर्क लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए और शुरू हो जाइए। इट वॉज जॉन्स बिलीव दैट, जॉन को बिलीव था कि वन कैन बी हैप्पी ओनली बाय रिमेनिंग अ बैचलर, सिर्फ कुंवारे रहते हुए आप खुश रह सकते हैं, जी नहीं, द वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस, ये वर्ल्ड जो है हैप्पी प्लेस है, जी नहीं, देर इज़ नो अदर वर्ल्ड, इसके अलावा कोई और वर्ल्ड नहीं है, वन मस्ट लेड एन ऑनेस्ट लाइफ, बिल्कुल। प्रत्येक को ईमानदारी भरा जीवन जीना चाहिए, उसको ये लगता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ, जॉन सॉट दैट, किसी और के पत्नी की तरफ डिजायर न होते हुए इसने क्या चीज़ दिखाई, ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, इससे पचलता था, शादी करना चाहता था, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल सिद्धांतों वाला व्यक्ति था, बिल्कुल कहूँगा मैं इसको यही आंसर, ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन, He had no desire for another's wealth, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। फ्रॉम द अबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें क्या लगता है, 15th, नॉट हाईली एजुकेटेड, अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, अ डीपली पैसिमिस्टिक मैन, अ स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, सेकेंड करेक्ट। मिलते हैं आपसे गैस नेक्स्ट सेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।